कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तालिबान के पक्ष में बोलने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी नेता मुकीम चौधरी फैजान भी नामजद हैं। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। बड़ी खबर इस वक्त की, एसपी सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संभल एमपी शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ यह एफआईआर की गई है। तालिबान के पक्ष में बोलने पर यह एफआईआर की गई है। एसपी नेता मुकीम चौधरी फैजान भी नामजद। सुनील कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, किन किन धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की गई है? मैं आपको बता दूं कि लगातार विवादित बयानों को लेकर यहाँ पर संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क सामने आते रहते हैं। इस बार ये मामला जो दर्ज हुआ है तालिबान को लेकर, उन्होंने तालिबान की हिमायत की थी। उसके अलावा तालिबान जो क्रूरता कर रहे हैं उसको भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से उसकी तुलना कर दी थी। और मामला चूंकि बेहद गंभीर था तो भाजपा नेता राजेश सिंघल ने सदर कोतवाली में सांसद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें धाराएं 153 है, 124 है, 295 है। इसके अलावा एक दूसरा मामला भी कल यहाँ पर हुआ था। ये फेसबुक पर सपा नेता है फैजान चौधरी, इन्होंने अब्दुल गनी बरादर को राष्ट्रपति बताते हुए मुबारकबाद दे दी थी। तो पूरे दोनों मामलों की यहाँ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है जी। फिलहाल क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा सकती है और बीजेपी नेता की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? देखिए, जहां तक बीजेपी नेता की बात करें उनका रिएक्शन अभी सामने नहीं आया, क्योंकि मामला रात का है। और कार्रवाई की बात हम आपको बताते हैं तो ये दोनों नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैं, तो इसमें ये पुलिस के ऊपर है, पुलिस इनके मतलब कब चार्जशीट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, विधानसभा में पेश होगा आज अनुपूरक बजट। 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। विकास योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। अनुपूरक बजट के जरिए सरकार चुनाव से पहले योजनाओं को रफ्तार देने की तैयारी में है। योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा, ये सप्लीमेंट्री बजट है अनुपूरक बजट। इसमें क्या लेकर के सरकार आती है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब चुनावी माहौल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। ऐसे में किन किन एरियाज पर सरकार का फोकस रह सकता है, ये यहां पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। या जो काम लगातार चल रहे हैं डेवलपमेंट के, उन्हीं के लिए बजट यहां पर सरकार एलोकेट करेगी, उन्हीं के लिए बजट जारी करेगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता जो लगातार बजट सत्र पर नजर बनाई हुई है। अनामिका, ये बताइए कि सप्लीमेंट्री बजट पे सरकार किन किन एरियाज पर फोकस कर सकती है और क्या कुछ नई घोषणाएं भी होने की संभावना है? और देखिए, चुनावी साल है यहाँ पर अनुपम, और ये सरकार का इस बात की तरफ ज़्यादा प्रयास है कि जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं या जिन बड़ी योजनाओं का शिलान्यास होना है उसमें बजट की कमी कहीं से ना हो। और यही वजह है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें हम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, जेवर एयरपोर्ट की बात कर लें हम, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और कोरोना की सेकेंड वेव में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे विभागों ने कोरोना की फाइट में अपने अपने विभागों के बजट को खर्च किया। और अब सरकार को चूंकि चुनावी साल से पहले बहुत सारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ानी है, कुछ योजनाओं का शिलान्यास करना है, लोकार्पण करना है, बड़े तोहफे देने हैं, तो इसलिए सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत है सरकार को। और यही वजह है कि दिसंबर से पहले जो आने वाले 3-4 महीने हैं वो सिर्फ और सिर्फ तोहफों के होने वाले हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं की जो बारिश है वो होने वाली है प्रदेश में, उसके पहले सरकार को जरूरत थी भारी भरकम बजट की। और यही वजह रही कि इस बार सरकार ने ऐलान किया कि अनुपूरक बजट में बहुत सारी योजनाओं को, नई योजनाओं को शामिल किया जाएगा। हालांकि पूरा का पूरा प्लान तैयार हो चुका है सरकार की ओर से, वित्त मंत्री की पूरी टीम तैयार कर रही थी पिछले 20-25 दिनों से। इसके बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर जो कैबिनेट बैठक हो रही है उस कैबिनेट बैठक में इस पूरे के पूरे बजट के प्रारूप को मंजूरी दी जाएगी। और 12:30 बजे संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन के पटल पर बजट को पेश करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे और जो मांगे रखी गई विभागों की ओर से उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण देंगे। अलाउद्दीन अनामिका बने रहिए। अलाउद्दीन, विपक्ष की रणनीति की बात करें, आज क्या रहने वाली है और किस तरीके से आज का दिन रहने वाला है विधानसभा के अंदर?
देखिए 5.5 लाख करोड़ जो बजट पेश हुआ था फरवरी में, उसके बाद का एक अनुपूरक बजट है। विपक्ष कल से इस बात को लगातार कह रहा है कि सरकार कोशिश ये करेगी कि जो संकल्प पत्र उनका है, संकल्प पत्र में मैक्सिमम जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में आम जनता को दिखाने के लिए संकल्प पत्र से जुड़े हुए जो वादे हैं, चाहे वो अधिवक्ता कल्याण निधि से जुड़ा हुआ मामला हो, कोविड कॉल में जनाब जो है निराश्रित लोग थे उनको लेकर के बजट में तमाम सुविधाओं का मामला हो, या फिर संकल्प पत्र, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 90% छुआ नहीं है सरकार का, तो उसको छूने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष एक बात ये भी कह रहा है कि जो इस बार का अनुपूरक बजट है, इसके बाद एक बार फिर से दिसंबर के महीने में जो कि लास्ट अनुपूरक बजट हो सकता है, इस तरह के बजट भी लाया जा सकता है। तो ऐसे में विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप है, जिस तरह से कल उन्होंने लगाया था कि आम जनता को लुभाने के लिए संकल्प पत्र में जो मैक्सिमम चीजें छूटी हुई हैं उसको छूने की सरकार एक कोशिश करेगी। हालांकि जो बातें कही जा रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए मामलात हैं, इसके अलावा कोविड से जुड़े हुए जो तमाम घोषणाएं थी, योजनाएं थी, उनको भी सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। हालांकि 12:20 बजे बजट आएगा तो माना जा रहा है कि 35 से लेकर 40 हज़ार करोड़ का वो बजट हो सकता है, अनुपूरक बजट हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को सरकार एक बार जो छूटी हुई है या फिर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन उसको अपने नज़रिए से देख रहा है कि संकल्प पत्र पर जिस तरह से हम लोग पिछले 30-40 दिनों से हमलावर हुए हैं, तो ऐसे में संकल्प पत्र से छूटी हुई चीज़ों को ही फोकस सरकार करेगी। हालांकि 12:20 पर तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाएगी कि विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है वो कितना दुरुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका और अलाउद्दीना, बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज अनुपूरक बजट सरकार लेकर के आ रही है, और इस अनुपूरक बजट में सरकार का फोकस किन एरियाज पर रहता है ये यहां पर देखना होगा। बीजेपी का बूथ विजय अभियान 2022 में जीत के लिए विशेष अभियान है, 23 अगस्त को शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। 27,700 शक्ति केंद्रों पर आयोजन होगा, किसी एक बूथ पर जाएंगे जेपी नड्डा। चुनाव तक 3 चरणों में यह अभियान चलेगा, पहले चरण में पन्ना प्रमुखों के लिए अभियान और दूसरे चरण में संपर्क सस्ता अभियान और तीसरे चरण में बूथ पर्ची सत्यापन अभियान। तो इसकी यहां पर तैयारी की गई है। बीजेपी का बूथ विजय अभियान है ये, 2022 में जीत के लिए विशेष अभियान, 23 अगस्त को शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। 27,700 शक्ति केंद्रों पर इसका आयोजन होगा, किसी एक बूथ पर जाएंगे जेपी नड्डा। कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, एसपी विधायक पर धमकाने का केस दर्ज हुआ है। एनएचएआई अधिकारी को धमकाना भारी पड़ा है। बिठूर थाने में एसपी विधायक पर केस दर्ज किया गया है। परियोजना निदेशक ने डीएम से मांगी है सुरक्षा, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कमिश्नर के आदेश पर विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई। एसपी विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, धमकाने का केस यहां पर दर्ज किया गया है। एनएचएआई के अधिकारी को धमकाने का आरोप इन पर लगा है। बिठूर थाने में एसपी विधायक पर केस दर्ज किया गया है, कमिश्नर के आदेश पर विधायक पर एफआईआर हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, और बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, कब का यह मामला है और क्या कार्रवाई इसमें देखने को मिल सकती है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएच विभाग ने अपने एनक्रोचमेंट्स को क्लियर करने के लिए एक ड्राइव स्टार्ट की थी, जिस ड्राइव के अंतर्गत कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक की एक फैक्ट्री पड़ रही थी, जिसको उनका कहना है कि नोटिस दिया गया था और उसके बाद जो पोर्शन कंपनसेशन में आता था उस ग्राउंड के आधार पर उसको डिमोलिश किया गया, जिसके बाद नेता नगरी का दौर चला और उसके बाद विधायक ने धरना प्रदर्शन देके ये बात मंच के माध्यम से कही थी कि जिन्होंने डिमोलिश किया है उनका उन पर मैं इनाम रखता हूं और उनका जो उन्हें थप्पड़ मारेगा, ऐसी तमाम चीजों पे एलिगेशन लगाए गए थे, जिसके बाद घबराहट में आके परियोजना अधिकारी जो एनएच के हैं उन्होंने जिलाधिकारी से सुरक्षा की गुहार लगाई कि उन्हें गनर मिलना चाहिए और कमिश्नर से मुलाकात करके मुकदमे के प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी गंभीरता को समझते हुए कमिश्नर ने निर्देशित किया बिठूर एसओ को कि तत्काल प्रभाव में सपा विधायक के अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जो बिठूर थाना में दर्ज कर लिया गया। जी बिल्कुल अमित, नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की पंचायत हुई है, इसमें बड़ी संख्या में किसानों और बीकेयू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत की तैयारी के लिए रणनीति बनाई गई है।
वहीं बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हमले के मामले में केस दर्ज होने को लेकर नाराजगी दिखी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर निशाना साधा। वहीं मंच से दहाड़ भरते हुए कहा गया कि आज हम सब कुछ हैं, जो चाहे वो कर लेंगे। नरेश टिकैत की माने तो उन्होंने संजीव बालियान और उमेश मलिक को गांव में आने से परहेज करने को कहा था, लेकिन वो नहीं माने, इसी वजह से ये घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी हो नहीं सकती, चाहे जो कर लो। अभी देख लें कहां लग रही है गिरफ्तारी, होना था कहां, यहां कुछ हुआ है। बस सारी मैं ही जवाब दूंगा, नहीं मानते ना मान लो। 5 तारीख में कितनी भीड़ जुटने का अनुमान है? भाई काफी आदमी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आदमी हो जाएंगे। गांव की एकता को, अखंडता को खत्म करने की बात उनकी आए, वे बौखलाए गए। किस हमने किसी का विरोध नहीं करा, हमने तो यही कही भाई दिल्ली धरना चल रहा, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे किसान विरोध में है भाजपा के, तो ये कम आवे। नरेश टिकैत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी खाप पंचायत का नहीं। जो कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है, खाप और पंचायतों का नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कानून से खेलेगा तो कानून अपना काम करेगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। टीकाकरण अभियान में बना नया रिकॉर्ड, एक दिन में लगाई गई 88 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज। बीते 24 घंटे में देश में 25,166 नए केस, 437 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली में आज कोरोना के 38 नए केस, पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की जान गई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का एसपी सांसद ने किया समर्थन, कहा ये उनकी आजादी की लड़ाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की। लखनऊ एयरपोर्ट पर अपना दल के कार्यकर्ता और सीआईएसएफ जवानों के बीच झड़प, अनुप्रिया पटेल के स्वागत के लिए पहुंचे थे कार्यकर्ता। कौशाम्बी में जाति को लेकर विधायक संजय गुप्ता के बिगड़े बोल वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ में यूपी सीडा के प्रधान महाप्रबंधक रहे अरुण मिश्रा को जबरन रिटायर किया गया, करप्शन के मामले में कई आरोप इनके ऊपर, जेल में बंद हैं अरुण मिश्रा। अयोध्या में 13 दिन बाद किसान यूनियन ने खत्म किया धरना, जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद लिया फैसला। बुलंदशहर में गरीबों के आशियाने पर चला बुलडोजर, रोड चौड़ीकरण को लेकर रोड के दोनों तरफ मकानों को उठाया गया। कानपुर देहात में दारोगा प्रभात यादव का वीडियो वायरल हुआ, मामूली बात पर अपना आपा खो दिया इन्होंने, युवक को जमकर पीटा। बरेली में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से लूट का सामान भी बरामद। हाथरस में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार समेत लूट के पैसे बरामद। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, कब्जे से 4 किलो सोना समेत नकदी बरामद। बरेली में लूट और चोरी में गुम हुए लाखों के मोबाइल फोन बरामद किए गए, उसके बाद उनके मालिकों को सौंपा गया। महाराजगंज में छापेमारी में करोड़ों की प्रतिबंधित नशीली दवाओं के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, कई मामलों में इसकी तलाश चल रही थी। महोबा में जिला उद्यान अधिकारी गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में शराब के नशे में पिता ने 4 बच्चों के साथ जहर खाया, सभी की हालत गंभीर। कानपुर देहात के थाना परिसर में धूमधाम से कराई गई प्रेमी जोड़े की शादी, पुलिस अधिकारी और जवान बने बाराती। औरैया में तालाब में नहाने के दौरान हादसा, एक युवक की डूबकर मौत, फपूर थाना क्षेत्र का मामला। अंबेडकर नगर में धार्मिक स्थल पर अधिकार को लेकर 2 पक्षों में विवाद, हिंदू समुदाय ने मुस्लिम समुदाय पर कब्जे का आरोप लगाया, कटका थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, दोनों के बीच विवाद हुआ, कार ड्राइवर ने साइकिल सवार को पीटा। जौनपुर में बिजली की तार की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे। फतेहपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, बिंदकी कोतवाली में घटना हुई।
अमरोहा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। कार का ड्राइवर मौके से फरार। मुरादाबाद में ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सुल्तानपुर में सालों पुराना पेड़ लखनऊ बलिया हाईवे पर गिरा। पेड़ की चपेट में आने से चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। चार लोग जख्मी हुए। चमोली के जोशीमठ में नीति नेशनल हाईवे फिर बंद। मरखोड़ा के पास लगातार पहाड़ी से गिर रहा मलबा। तीन दिन से बोल्डर के गिरने का सिलसिला जारी। गोरखपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है रोहिणी नदी। 13 गांव प्रभावित हुए हैं। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने सरयू नदी में उफान लाया। 50 से ज्यादा गांवों के रास्ते में भर गया पानी। आने जाने के लिए लोग ले रहे नाव का सहारा। बनारस में गंगा नदी का कहर। घरों में घुसा पानी। लोग परेशान। सरकार पहुंचा रही जरूरी सामान। वाराणसी की तस्वीर जहां पर विधायक ने फहरा दिया उल्टा तिरंगा। बीजेपी के विधायक ने उल्टा तिरंगा फहराया। आईआईटी कानपुर का सराहनीय कदम। तकनीक से लैस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया। बागपत में विश्व हिंदू परिषद के एकल अभियान के तहत आयोजित किया गया राखी बांधने का कार्यक्रम। कई लड़कियों ने सीओ ऑफिस पहुंचकर तैनात कर्मचारियों को राखी बांधी। मुरादाबाद के चार परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक कराए गए पीजीटी के इंटर्न्स एग्जाम। जिले के कई परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा। ऐश्वर्या राय ने बहन की शादी में स्टेज पर पति और बेटी के साथ झूम कर किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। नूरा फतेही हुई गर्मी से परेशान। ऑटो वाले से कहा भैया मुंबई में बहुत गर्मी है, थोड़ा इंग्लैंड ड्रॉप कर दीजिए। तारीख पे तारीख डायलॉग बोल रहे थे सनी देओल, तभी आया गुस्सा और स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक दी। असिन ने शेयर किया अपनी बेटी का वीडियो। वीडियो में क्यूट आर्यन झंडा लहराती नजर आई। रिया कपूर की रिसेप्शन पार्टी में एंजॉय करती नजर आई कपूर सिस्टर्स। फोटोज वायरल हुई। शाहिद कपूर ने भाई ईशान खट्टर के साथ क्रेजी डांस किया। अनन्या पांडे ने भी किया कमेंट। जानवी कपूर का लेटेस्ट फोटोशूट वायरल हुआ। रेड ड्रेस में शानदार एक्सप्रेशंस देती नजर आई एक्ट्रेस। जैकलिन फर्नांडिस ने व्हाइट लहंगा पहनकर दिखाई अदाएं। फैंस ने कहा बार बार देखने वाला वीडियो। जिम में नजर आया उर्वशी रौतेला का फिटनेस फ्रीक मोड। एक्ट्रेस ने मारे 1000 स्क्वाट्स। टाइगर श्रॉफ ने जिम में दिखाया जबरदस्त स्टंट। सुपर हीरो की तरह उड़कर लोगों को चटाई धूल। विराट कोहली दुनिया के चौथे सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने। क्लाइव लॉयड को पीछे छोड़ा। टी20 विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान। 24 अक्टूबर को भारत के सामने होगा पाकिस्तान। नीरज चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी। खंडरा में स्वागत कार्यक्रम के बीच में से ले जाया गया हॉस्पिटल। लॉर्ड्स टेस्ट के बाद पॉइंट टेबल में उलटफेर। भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंचा। सेंसेक्स 209 अंकों की छलांग के साथ 55,792 पर बंद। निफ्टी 16,614 के पार। सोने के दाम 47,223 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी के दाम 63,598 पर कर रही कारोबार। एक महीने से पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं दिखा कोई बदलाव। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101.84 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। स्वागत है ब्रेक के बाद। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार और एएसआई को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। दरअसल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल की है। याचिका में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल वाराणसी सिविल जज ने मस्जिद परिसर के एएसआई से सर्वे कराने के आदेश दिए हैं।
सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और मस्जिद के विवाद के मामले में दाखिल उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जो दाखिल याचिका, उस पर सुनवाई होगी और ये सुनवाई करीब 12 बजे होने की उम्मीद है। और इसमें जो चैलेंज किया गया है मंदिर का सर्वे कराने का, सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी का जो आदेश है उस पर रोक लगाने की याचिका में मांग की गई है। और जिला जज की अदालत में जो पुनरीक्षण अर्जी लंबित है लंबे समय से, उसको भी जल्दी निस्तारित करने की इसमें अपील की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकलपीठ कर रही है और आज इस मामले में, क्योंकि कल भी बात हुई थी तो आज भी बात जारी रहेगी और उसके बाद हाईकोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। पहाड़ की राजनीति करें केजरीवाल,